अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्केचअप के कंपोनेंट विंडो के बारे में पढ़ेंगे। कंपोनेंट विंडो है क्या, इसके बारे में आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि हमने सिंपल विंडोज में जाना है, डिफॉल्ट ट्रे में जाना है, और कंपोनेंट आपने कंपोनेंट को यहाँ से हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। हमने चेक किया हुआ है तो हमारा राइट साइड पे कंपोनेंट आ रहा है। कंपोनेंट विंडो का काम क्या है? कंपोनेंट विंडो का काम यह है कि अगर आप कुछ जो वेयर हाउस में 3D ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं, एक तो यह है कि आप उनको यहाँ से यूज में ला सकते हैं, और दूसरा यह कि कुछ ऑब्जेक्ट्स जो आपने बनाए हुए हैं आप उनको दूसरे लोगों तक शेयर कर सकते हैं। और इसमें डिफरेंट कैटेगरीज हैं हमारे पास, यहाँ पर आ जाते हैं। और फेवरेट्स में हमारे पास कंपोनेंट सैम्पलर है, आर्किटेक्चर है, लैंडस्केप है, कंस्ट्रक्शन है, पीपल है, प्ले ग्राउंड है, और इस तरह के बहुत से ऑप्शन हमारे पास दिए हुए हैं। और फॉर एग्जाम्पल हम आर्किटेक्चर में चले जाते हैं, अभी थोड़ा सा लोड हो रहा है जितने भी मॉडल्स उसके हैं वेयर हाउस में, और ये हमारे पास लोड होके आ गया। तो ये डिफरेंट किस्म के ऑब्जेक्ट्स हमारे पास हैं बिल्डिंग्स के, हम इनको इस्तेमाल भी कर सकते हैं, हम इनको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर हमने अपने जो मॉडल बनाए हुए हैं उनको हम यहाँ पे अपलोड भी कर सकते हैं, हम दूसरे लोगों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो ये है कंपोनेंट विंडो और इसका काम। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ आई होगी। मिलते हैं एक और ट्यूटोरियल के साथ। अल्लाह हाफिज़।